हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैश सीजन 6 एपिसोड 7 और एपिसोड 8 की, क्योंकि एपिसोड 7 कंटिन्यू होता है एपिसोड 8 में और एपिसोड 9 क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ का पार्ट 3 है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। और अगर आपको फ्लैश पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं फ्लैश की कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप उन्हें मिस ना कर दें। तो दोस्तों, रैमसी अब बहुत ही पावरफुल हो चुका है और अब वो अपने पावर्स पर पूरी तरह कंट्रोल पा चुका है। रैल्फ पर वो अटैक कर देता है, जिसके बाद रैल्फ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। किलर फ्रॉस्ट वहाँ आकर उसे स्टार लैब्स ले जाती है। स्टार लैब्स में किलर फ्रॉस्ट केटलिन बन जाती है और फिर वो बताती है कि रैल्फ के बॉडी के सेल्स खुद को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और बैरी के ब्लड से रैल्फ ठीक हो सकता है। बैरी रैल्फ को अपना ब्लड देता है, पर इस प्रोसेस में रैमसी का ब्लड वर्क जो उसने रैल्फ के बॉडी में डाला था वो बैरी के बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद बैरी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे हर तरफ रैमसी दिखने लगता है। स्पीड फोर्स बैरी को उसे उसकी माँ के फॉर्म में दिखता है और स्पीड फोर्स बैरी को समझाता है कि रैमसी उसके बॉडी पर कंट्रोल पाना चाहता है और ये पूरी तरह बैरी पर डिपेंड करता है कि वो अपने बॉडी पर किसका कंट्रोल चाहता है। रैमसी बैरी को इमोशनली काफ़ी मैनिपुलेट करता है और उसे बताता है कि स्पीड फोर्स ने उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया और उसे ये समझाता है कि रैमसी के पावर्स की हेल्प से वो मरे हुए लोगों को भी ज़िंदा कर सकता है। काफ़ी कोशिशों के बाद रैमसी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वो बैरी के बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है, जिसके बाद हमें नेगेटिव फ्लैश देखने को मिलता है। रैमसी ऐसा करके अपनी ब्लड वर्क की आर्मी तैयार करता है। सिस्को स्टार लैब्स के बाहर फोर्स फील्ड से लैब को प्रोटेक्ट कर देता है। रैमसी और नेगेटिव फ्लैश दोनों स्टार लैब्स के बाहर आकर सिस्को से कहते हैं कि वो उन्हें अंदर आने दे। नेगेटिव फ्लैश सिस्को से लाइट्स को लेकर कुछ कहता है, जिसे सुनकर सिस्को को ऐसा लगता है कि उन्हें अंदर आने देना चाहिए। अंदर आने के बाद रैमसी सिस्को को अपना प्लान बताता है कि वो पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से पूरे सेंट्रल सिटी को एक बार में इन्फेक्ट करेगा। सिस्को जल्दी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेता है कि गार्सिया के यूवी रेस के पावर्स की मदद से रैमसी के ब्लड वर्क से इन्फेक्टेड सभी लोगों को एक बार में इन्फेक्ट करने की बजाय ठीक किया जा सकता है। रैमसी फ्लैश से टीम फ्लैश को मारने को कहता है, पर फ्लैश आयरिस को नहीं मारता है। आयरिस लाइट गन का यूज़ करके रैमसी को बेहोश कर देती है, जिसके बाद गार्सिया अपने पावर से पार्टिकल एक्सेलरेटर में रैमसी के ब्लड वर्क पर यूज़ करती है और सभी ठीक हो जाते हैं। फ्लैश के ठीक हो जाने के बाद वो रैमसी को लैब से बाहर ले जाता है। रैमसी अपने पूरे ईवल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसा हमने कॉमिक्स में देखा है। रैमसी फ्लैश को रोक लेता है, जिसके बाद रैमसी को उसे उसकी माँ दिखती है। ये फ्लैश रैमसी को डाइवर्ट करने के लिए करता है और रैमसी को बताता है कि उसने रैमसी को अपने माइंड पर कंट्रोल पाने दिया ताकि रैमसी के माइंड में वो जा सके। रैमसी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और थोड़ी देर ध्यान भटकाने के बाद फ्लैश रैमसी को स्टार लैब्स में चेस्टर के पॉड में बंद कर देता है। एपिसोड के एंड में सभी लोग क्राइसिस का वेट कर रहे होते हैं, और अगर आप लोग भी क्राइसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक मैंने एंड स्क्रीन पर दे दी है। इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर।